हम अपना एक हाउस प्लान स्टार्ट कर रहे हैं करना। इसमें हम अपना प्लॉट साइज ले रहे हैं सबसे पहले। मैंने उसके लिए रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, डायमेंशन से मैंने उसका साइज दे दिया। उससे पहले मैं यूनिट सेट कर लेता हूँ, यूएन एंटर किया। यहाँ से मैंने इंजीनियरिंग फॉर्मेट कर दिया, इसको भी मैंने चेंज कर दिया, ओके किया। देन डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, प्राइमरी यूनिट्स पे गए, यहाँ से भी इसको चेंज कर दिया हमने इंजीनियरिंग फॉर्मेट में। ट्रेलिंग के जीरो को सप्रेस कर दिया, टेक्स्ट पे जाके टेक्स्ट हाइट को हमने यहाँ से 6 इंचेस कर दिया। एरो साइज को शेप चेंज कर दिया, पहले एरो का ऑब्लिक लगा दिया और एरो साइज को भी 6 कर दिया। उसमें लाइन कमांड पे गए और लाइन पे जाने के बाद इनको हाफ हाफ पैरामीटर्स पे सेटअप कर दिया। इसके फॉर्मेट को भी मैंने चेंज कर दिया, मैंने यहाँ से हिडन फॉर्मेट ले लिया इसका। सेट करंट करके क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले हमने अपना प्लॉट एरिया बनाया, तो उसके लिए प्लॉट एरिया बनाने के लिए रेक्टेंगल कमांड पे गया, आरई से एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद डी एंटर किया, डी एंटर करके मैंने प्लॉट का साइज ले लिया 20 फिट बाई 40 फिट। आ गया प्लॉट साइज, इसको ऑफ कर दिया हमने, इसको यूसेज आइकन को ओरिजिन से हटा दिया हमने, इससे वो साइड में। अब ये हमारा एक प्लॉट एरिया आ गया। इस प्लॉट के ऊपर हमें क्या करना है, अपना प्लानिंग करना है। प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना साइट लेआउट दिखाते हैं। साइट लेआउट में मतलब क्या करना है, मैंने इसकी डायमेंशन दिखानी है सबसे पहले। ये 20 फिट है, यहाँ से क्या है 40 फिट है, पीछे से 20 फिट है और इधर से 40 फिट। अब ये सारे आप अपोजिट, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार इसी टाइप का प्लॉट मिले। कई बार प्लॉट हो सकता है कि एक तरफ से छोटा हो दूसरी तरफ से बड़ा हो। अच्छा LTS एंटर करके मैंने लाइन टाइप स्केल को कभी बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसमें जब प्लानिंग करनी स्टार्ट करनी है हमें, तो प्लानिंग करने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, टेक्स्ट कमांड से यहाँ से अंदर लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मैंने साइज दे दिया 6 और इसको मैंने लिख दिया क्लाइंट प्लॉट। क्लाइंट प्लॉट हो गया और इसका एरिया क्या हो गया, 14 into 20 है, 4 4 2 800 square feet, ठीक है, हो गया 800 square feet। मैंने इसको कॉपी करके नीचे रखा और तो कौन किया, यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया मेन मेन रोड है, ठीक है। इसको कॉपी करके मैंने इधर रखा, यहाँ बता दिया भाई यहाँ पे क्या है, अदर्स प्रॉपर्टी। इसको कॉपी करके इधर रखा, यहाँ पे हमने लिख दिया अदर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। और पीछे की तरफ भी हमने अदर प्रॉपर्टी ले लिया, मतलब तीनों तरफ हमारा प्लॉट क्या है कवर्ड है, सिर्फ आगे की तरफ हमारी क्या है ओपनिंग है मेन रोड, ठीक है। हम एक काम कर लेते हैं, पीछे की तरफ ओपन स्पेस, पीछे की तरफ ओपन स्पेस हमारा। अब इसके ऊपर प्लॉट के ऊपर हमें प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एच एंटर करके इस पे हैच कर दिया, स्केल बढ़ा दिया हमने, हो गया ये पूरा आपका। इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी करके नीचे रखा और इसको मैंने लिख दिया साइड लेआउट, मतलब ये हमारा क्या है साइट का साइट लेआउट प्लान है, ठीक है। एज पर साइट क्या पैरामीटर्स हमें मिले, हमने पहले उसकी ड्राइंग बना दी। अब इस इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्लॉट को कॉपी करके साइड में रखेंगे और अब इस प्लॉट पे हम अपना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करना है हमें, तो वो चीज़ हमें पहले डिसाइड करनी होगी कि हम किस तरीके से करना चाह रहे हैं, मतलब कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए
कैसी फैमिली के लिए कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है, मतलब कि वो सिंगल फैमिली पूरे प्लॉट को ऑक्यूपाई कर रही है या उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है। हमें ये चीज हमें पहले ही पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टेयरकेस उसी के बिहाफ पे ही हम डिजाइन कर सकते हैं, उससे पहले हम स्टेयरकेस नहीं डिजाइन कर सकते। मान लो अगर फैमिली ने कहा कि भाई उसको सिंगल अपने पर्पस के लिए चाहिए, तो हम स्टेयरकेस को अंदर की तरफ देने की कोशिश करेंगे, है ना, और वो चाह रहे कि नहीं जी मुझे कल को रेंट पे भी चढ़ाना हो सकता है ऊपर वाला फ्लोर, तो ऐसे में स्टेयरकेस को हमें कहाँ डालना पड़ेगा, कॉमन स्पेस की तरफ डालना पड़ेगा। तो ये चीज हमारी ड्रॉइंग के अंदर आती है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए पहले। तो हम अभी जो प्लॉट बना रहे हैं इसमें मैं सबसे पहले एक काम कर रहा हूँ, मैं एक सिंगल फैमिली पर्पस के हिसाब से उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंगल फैमिली के हिसाब से जब डेवलप करना है तो उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, 4.5 इंच की, सॉरी ग्राउंड की वॉल है, 9 इंच की चारों तरफ से हमने वॉल ले ली। जनरली हम लोग क्या करते हैं जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर की तो 9 इंच की वॉल रखते हैं आउटर वाली, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे सारी वॉल 4.5 इंच की दे देते हैं, इसके अंदर की जितनी भी वॉल आएगी सब 4.5 इंच की देनी होगी हमें। अच्छा, क्योंकि फ्रेम्स कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं हम लोग काम, है ना, कॉलम और बीम पे होगा इसलिए। अच्छा, अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, अपना काम करने से पहले हमने पहले इसको एक्सप्लोर कर दिया। अब ये अंदर का जो स्पेस बचा है कितना बच रहा है आप देखो, अब हमें इस 800 स्क्वायर फीट पे कम से कम 2 BHK प्लान तो बनाना होगा, 2 BHK बनाना होगा, ठीक है। अब 2 BHK के लिए मतलब 2 बेडरूम आएंगे उसमें, और क्या होगा, एक हॉल होगा, एक किचन होगा और एक गेस्ट रूम होगा, होंगे ना, वॉशरूम वगैरह होंगे। तो ऐसे के लिए हम मैंने क्या किया, कुछ चीजें आगे से प्लान करेंगे, कुछ चीजें पीछे से प्लान करते रहेंगे, फिर दोनों का आपस में एक साथ कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए अब आगे हमारी कार की एंट्री भी देनी होगी हमें। कार की एंट्री जो होती है वो जनरली हमारा 10 फिट का स्पेस होता है, तो हमने 10 फिट यहाँ से स्पेस ले लिया। 10 फिट लेने के बाद मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया साइड में और इसको ट्रिम कर दिया। ये हो गया हमारा, ठीक है, कार की एंट्री पॉइंट हो गया यहाँ से हमारा, ठीक है। अब इसकी एंट्री करने के बाद कार की जो डेप्थ होती है, कार खड़ी करने के लिए कितना स्पेस देना चाहिए हमें, कम से कम कितना दिया जाए, 15 फिट कम से कम देते हैं हम, क्योंकि आपकी जो जैसे कि स्मॉलर कार्स होती हैं जैसे वैगन आर है, सेंट्रो है ना, ये भी आपकी 12-12 फिट की लेंथ की होती है, तो उसके बाद हमें कुछ क्लियरेंस भी छोड़ना पड़ता है, तो हम 15 फिट की वैल्यू लेके चलते हैं। और जो आपकी सीडन कार्स होती हैं उनके लिए हम 17 फिट का डिस्टेंस लेके चलते हैं, तो मैंने 15 फिट यहाँ से छोड़ दिया। इतना छोड़ने के बाद ये स्पेस कितना बच रहा है आप देखो, कुछ 8.5 फिट तो कुछ भी स्पेस नहीं हुआ, कुछ हुआ क्या, हुआ या नहीं हुआ कोई स्पेस, मतलब 8.5 फिट में रूम आ पाएगा हमारा, रूम नहीं आ सकता। रूम के लिए कितना होना चाहिए कम से कम, 10 से 10 तो होना ही चाहिए, है ना। अब अगर कार देनी है हमें तो कार तो फ्रंट पे आएगी, कार 10 फिट की, हाँ 8 फिट रख सकते हैं, गेट हम 10 फिट का ही देते हैं, लेकिन क्योंकि कार एंटर करते टाइम घूम के जाती है, स्ट्रेट नहीं जाती, तो घूमने के लिए डोर छोट बड़ा करना पड़ता है। हाँ, बाद में आप उसको 8 फिट पे कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैंने 8 फिट यहाँ छोड़ दिया। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, 10.5, ठीक है, 10.5 फिट, और एक्चुअल में 10 फिट ही बचेगा क्योंकि वॉल भी आएगी इसकी 4.5 इंच, 4.5 इंच की वॉल आ गई, 4.5 इंच की वॉल इधर भी आ गई। यहाँ से मैंने 3 फिट इस पे छोड़ दिया, अभी 4.5 इंच की, मैंने 3 फिट का पीछे से स्पेस छोड़ा, 4.5 इंच की वॉल आ गई हमारी।
12 फिट की हमने विड्थ ले ली। ठीक है, ये हमारा किचन हो गया। ठीक है, ये एरिया हो गया हमारा। अब ये वॉशरूम वाला एरिया हो जाएगा हमारा, इसी से अटैच यहाँ पे आपका वो गेस्ट रूम आ जाएगा, या आप सेकंड बेडरूम कह सकते हो। ये आपका किचन हो जाएगा, इधर आपका एंट्री डाइनिंग आ जाएगी, एक राउंड टेबल डाइनिंग पड़ जाएगी। बेडरूम वन इधर आ जाएगा आपका। तो 30x40 में इस तरीके से हमने एक लेआउट तैयार किया जिसमें हमारे सारी चीज़ें आ गई। पीछे की तरफ भी आपका बालकनी या सेट आउट एरिया निकल आएगा, और ऊपर जब फ्लोर बनाएंगे तो ऊपर की तरफ भी हमारा यहाँ पे सिट आउट एरिया आ जाएगा। बट खैर, सिट आउट एरिया ऊपर का तो छोड़ ही दिए क्योंकि स्टेयरकेस हमने दिया नहीं। क्या स्टेयरकेस? नहीं, स्टेयरकेस दिया ही नहीं है, ये खाली ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है। स्टेयरकेस नहीं दिया हमने इसमें, सिर्फ ग्राउंड का कंस्ट्रक्शन के लिए। क्या ये आगे की तरफ एक लॉबी छोड़ दी हमने, जैसे कपड़े धोएंगे सुखाने के लिए, वो आप यहाँ पे सुखा सकते हो। ये वॉशिंग वॉशिंग एरिया हो जाएगा आपका। तो स्टेयर देना पड़ेगा, तो हिसाब से बनाएंगे। अभी हमने सिर्फ ग्राउंड वाले के लिए बनाया कि हमारे जो प्लॉट है उस पर सिर्फ क्या बन रहा है, ग्राउंड फ्लोर बन रहा है। हमने एक तो अप्रोच उसके हिसाब से बनाया। इसको प्रॉपर नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे जिसमें हम ऐसा बनाएंगे कि ऊपर का भी फ्लोर पे स्टेयरकेस चढ़ा के उसको भी यूज किया जा सके। तो उस तरीके का एक सेटअप कल की क्लास में हम देखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा प्लॉट लिया हमने, बहुत छोटा सा, बेसिक सा। कितना? 20x40 का लिया, 800 स्क्वायर फीट था। इसमें 2 BHK सेटअप हमने इस तरीके से तैयार करके दिया। ठीक है, अब ये वाला एरिया जो है, इसकी आप एंट्री आप घर के फ्रंट साइड से भी ओपन कर सकते हो। वो आपकी चॉइस है, आप चाहे तो इधर से ओपन करें या यहाँ से ओपन करें।
ठीक है, एक बेडरूम आपका ये वाला हो गया, एक कॉमन वॉशरूम आ गया, एक बेडरूम ये वाला हो गया, और ये आपका किचन यूनिट आ गया पूरा। बताइए, आया समझ में इतना? तो इस तरीके से हमने 20x40 वाले पे अपने पूरा प्लान करके तैयार कर दिया। साफ ये शाफ्ट ले लेंगे, ये ओटीएस है, ओपन टू स्काई, मतलब आप यहाँ पे अपने बैठ सकते हो, चाय पी सकते हो, विंडो से वेंटिलेशन आपका बना रहेगा। अब विंडो देनी है तो हम विंडो कैसी देंगे? पीछे ओपन है स्पेस तो हाँ, पीछे ओपनिंग थी ना हमारी, तो वहां से एयर, फ्रेश एयर हमारी घर के अंदर आती रहेगी, तो इस वजह से हमने इधर की तरफ भी एक बड़ी सी विंडो छोड़ दी। और अपना की जो किचन एरिया है इसमें भी हमने एक विंडो दे दी। अब किचन का हॉब यहाँ लग जाएगा आपका विंडो के सामने, है ना। सिंक आपका इस वाली वॉल पे आ सकता है, फ्रिज हम इधर कर देते हैं, ठीक है। इधर की तरफ हमारा फ्रिज हो गया, सामने विंडो हो गई हमारी, इधर की तरफ सिंक एरिया जाएगा। हेलो, थोड़ा अच्छा बस, ठीक है, आप 10 मिनट रुको, बस मैं क्लास कंप्लीट हो गया। हाँ जी, बताइए, क्लियर है? सो इस तरीके से हम अपने हाउस के प्लान को तैयार कर सकते हैं। इसका एक ऑप्शन मैंने तैयार किया, ठीक है, कल इसी को और अच्छे से एडवांसमेंट में लेके जाएंगे, जिसमें स्टेयरकेस भी देंगे ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए प्लान चेंज करना पड़ेगा हमें थोड़ा, बट ये हमने एक बेसिक सा सिंपल सा लेआउट तैयार किया, ठीक है। प्रोसेस समझ में आया? किचन और ये इसका डायमेंशन का किचन का डायमेंशन मतलब क्या हुआ, पूछ रहा हूँ मैं, 12 फिट है, ये बारह सवा दस फिट है, दस ठीक है। ये आपकी लेंथ 12 फिट है और चौड़ाई 8 फिट है, ठीक है। आप एल टाइप किचन भी दे सकते हो, जरूरी नहीं आपको इस तरीके का सी टाइप किचन देना, आप एल टाइप किचन भी दे सकते हो, यहाँ से स्लैब इधर गया, इधर आ गया, आप वो भी कर सकते हो। मैंने मॉडर्न हाउस के हिसाब से थोड़ा सा सी टाइप किचन दिया है, ठीक है। बीच में ओपनिंग रहेगी, यहाँ से आप अपने किचन के अंदर चले गए, सामने कुकिंग हो गई, इधर सिंक आ गया आपका, फ्रिज आपका इधर आ गया, ये पूरा आपका कुकिंग रेंज इतनी ज़्यादा, मतलब कुकिंग वर्किंग काउंटर हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा इसमें देखने को, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी स्पेस हो रही है मतलब रूम्स के लिए, ये तो आपका रूम का एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? 10x9 है ना, टेन बाई 10x10 या टेन बाई ज्यादा टेन होगा। स्मॉल हो गया, ठीक है। एक मिनट,